हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है और पार्टी दिशा निर्देश देगी तो चाहे बड़े हो चाहे छोटो चुनाव लड़ना पड़ता है। कांग्रेस को सुधार लाना चाहिए लेकिन उनकी सलाह मानी नहीं रहा, उन्होंने बाहर निकाल दिया। अभी उनका सोच है, पता नहीं किस स्तर पर क्या डिसोस हुआ, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है। सचिन पायलट शिव हैं, वो लगातार कड़वा घूट पीते जा रहे हैं राजस्थान में। ये मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें हैं, अब सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे। स्कूलों में ड्रेस कोड होना चाहिए, ये हिजाब वगैरह नहीं होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? और क्या देखो, अभी बीजेपी वाला तो इलेक्शन का माहौल है, कभी कोई ड्रेस कोड के नाम पे, कभी उसके नाम पे, अरे तो हिजाब हिजाब वाली बात आती कहाँ से? ये उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ नए नए फंड उठा के ले आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो सारा सिस्टम चल रहा है इतने देर से बढ़िया चल रहा है, ड्रेस कोड तो है ही, पहले से ऑलरेडी चल रहा है ड्रेस कोड। नहीं, हिजाब पहन के आना चाहिए, नहीं पहना चाहिए? मैं इसमें हिजाब का भाई, हिजाब बीच में आई खांसी, इमोशनल बात खांसी लेके आते हैं हिजाब, हिजाब का कोई नई नई बात लेके आ जाते हैं बीच में। ये इसमें तो क्या कि स्वतंत्र लोग बाग क्या राजनीति हो रही है इस चीज़ को लेकर? बीजेपी वाले हर चीज़ पर राजनीति करते हैं, धर्म पर राजनीति, जाति पर राजनीति, औरों पर राजनीति, उनको तो इमोशनल करना है जनता को। सर, राज्यसभा का चुनाव आ गया तो क्या राजस्थान से ही राज्यसभा का उम्मीदवार होना चाहिए कांग्रेस में, या कोई बाहर से? वो गांधी परिवार से ऐसा अपन को इतने बड़े नेता तो है नहीं, और जो हमारी हाईकमान तय करेगा उसको हम वोट देंगे, उसको हम जिताएंगे। तो बार बार सर बाहर के लोग आते हैं कांग्रेस में, आमतौर पर बीजेपी में यहाँ लोग ऐसा, तो हाईकमान का फैसला मिलजुल के फैसला करते हैं कि पार्टी में क्या है और उसी को वो चुनाव लड़ाते हैं। लोकसभा चुनाव है, आप लगातार अजमेर भी जाए, बूंदी, कोटा भी जाके आए, किस तरीके का रुझान है और बायोडाटा किस प्रकार के आ रहे हैं? ऐसा दो माह जब से सरकार बदली है, जनता में ज़बरदस्त चेंज है, क्योंकि इन्होंने जितनी हमारी सरकारी योजनाएं थी उनको किसी न किसी कारण से कमज़ोर किया है, बंद किया है, और साथ साथ में आम जो लोग हैं, गाँव के लोग बहुत परेशान हैं, विशेषकर अवैध खनन के नाम पर। गाँव में आजकल रोजी रोटी का मूल साधन है ट्रैक्टर वगैरह, ट्रोली वगैरह और मजदूरी वगैरह, अब तो वो सब लोग बेरोजगार हो गए। आज स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, सबके साधन खड़े हैं, आदमी अपने खेत में से मिट्टी टोल नहीं भर सकता, आदमी लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता, और इसकी वजह से सारे सरकारी वर्क तो बंद हो ही गए, ये पर्सनल जो काम थे वो भी बंद हो गए, और इससे सारा मजदूरों में बेरोजगारी हो रही है। 25 सीटें इस बार आएंगी नहीं आएंगी बीजेपी की, या फिर क्या रहेंगे? ये बीजे वाले धांसपट्टे देते हैं, बराबरी टक्कर देंगे, हम सीट जीतेंगे। लोग दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दौसा में क्या लगता है आपको, कौन से मुद्दे की बार हावी रहेंगे लोकसभा? ऐसा हमारे विकास की बात करेंगे हम, तो जो हमारी सरकार की योजनाएं थी, अच्छी योजनाएं थी, हमने काम किए थे, और हमारा क्या विचार उस पर काम करेंगे, ये तो केवल भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता सब समझ गई। आप आ रहे हो सर? देखो, मेरी स्वयं की कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन सर, राजस्थान को कांग्रेस में ये भी है कि बड़े जो लीडर्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते लोकसभा का है। देखो, मेरे को इस बारे में ज़्यादा वो है नहीं, हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है और पार्टी दिशा निर्देश देगी तो चाहे बड़े हो चाहे छोटे चुनाव लड़ना पड़ता है। कांग्रेस के नेता जो कृष्णन हैं, प्रमोद आचार्य कृष्णन हैं, उन्होंने बाहर निकाल दिया है 6 साल के लिए, और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं बड़े नेताओं पर। जब तक लोग पार्टी में रहते हैं जब तक तो पार्टी अच्छी होती है, जैसे ही बाहर निकल जाते हैं फिर आरोप लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत परिणाम। लेकिन सर, वो लंबे समय से तो सलाह देते आ रहे हैं कि भाई गांधी इनको कांग्रेस को सुधार लाना चाहिए, लेकिन उनकी सलाह मानी नहीं रहा, उन्होंने बाहर निकाल दिया। अभी उनका सोच है, पता नहीं किस स्तर पर क्या डिसोस हुआ, इस बारे में मेरी जानकारी नहीं। इनको UCC लागू करने की बात चली, फिर पूरे देश में UCC लागू होनी चाहिए, ऐसा इसमें अलग अलग विचार आ रहे हैं। समानता का मैं समझता हूँ कि अपनी जो मूल संस्कृति है वो तो उसमें शायद छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए, बाकी लागू में उसमें कोई ज़्यादा हम वो नहीं जाते। मूल हर जाति की, हर धर्म की संस्कृति होती है कुछ, तो उसको शायद, जैसे मैंने पेपर पढ़ा था उसमें ये भी लिख रखा भाई, उनसे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आचार्य प्रमोद ने ये कहा कि उन्हें पार्टी विरोधी कार्य करने के लिए बाहर निकाला गया है, वो जैसे वो राम मंदिर चले गए थे, क्या लगता है कि पार्टी विरोधी आखिर में इस तरीके का माहौल क्यों बनता है कांग्रेस में? ऐसा राम मंदिर में ये बिल्कुल गलत बात है, बीजेपी वाले माहौल बना रहे। हमारे हाईकमान ने कभी मना नहीं किया था भाई राम मंदिर मत जाओ, हम आस्तिक लोग हैं, हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम हमारे भी हैं, बीजेपी केवल भगवान राम के नाम से राजनीति करती है, ये सब बेकार की बात है। ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाते रहते हैं, कौन व्यक्ति ऐसा, हम हिंदू नहीं है क्या, हम सनातनी नहीं है क्या, हम सब धर्म को मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट शिव हैं, वो लगातार कड़वा घूट पीते जा रहे हैं राजस्थान में। ये मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातें हैं, अब सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, एक होकर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, एक होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट पता राहुल गांधी जी साथ यात्रा कर रहे हैं। कितनी सीट जीतोगे आप? हम मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छी स्थिति में इस बार रहेंगे। कोई बता सकते हो लक्ष्य? कोई संख्या तो किसी को पता नहीं, मैं सोनी थोड़ी हूँ।